हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो गोल्ड मेडल होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, उनका वजन कितना होता है और उनकी बाज़ार कीमत क्या होती है, और क्या जो उनकी बाज़ार कीमत है उससे ज़्यादा कीमत भी उनकी लगती है। इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल तीन मेडल हैं जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, उसके अलावा बहुत सारी अलग टूर्नामेंट्स हैं जिनमें दिए जाते हैं। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, जो सबसे बेहतर गोल्ड मेडल है वो ओलंपिक्स का होता है और उसका वजन कितना होता है, उसमें सोना टोटल होता है या सोना कितना होता है, या उसकी बाज़ार में कीमत क्या है, या फिर उसकी जो बाज़ार कीमत है उससे ज़्यादा कीमत पर भी वो बेचा जा सकता है क्या, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि जो गोल्ड मेडल होता है वो पूरा सोने का बना हुआ नहीं होता है, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। उसकी उसका जो कुल वज़न है वो 556 ग्राम से, जिसमें से केवल 6 ग्राम ही आपका गोल्ड होता है, बाकी 550 ग्राम जो है आपका वो सिल्वर होता है। इसका मतलब सिल्वर के ऊपर, 550 ग्राम के सिल्वर के ऊपर 6 ग्राम के गोल्ड की एक लेयर बना दी जाती है और उसे हम गोल्ड मेडल बोलते हैं। अब देखिए, अगर ये पूरा 556 ग्राम सोने का ही होता तो इसकी बाज़ार में कीमत लाखों में होती, क्योंकि इसमें 6 ग्राम ही सोना है, इसकी बाज़ार में कीमत कुछ खास नहीं होगी। तो जो गोल्ड की वैल्यू होगी 6 ग्राम की वो होगी 28,500 रुपये, और जो सिल्वर की कीमत होगी आधे किलो से थोड़े ज़्यादा की, यानी 550 ग्राम की, वो होगी 37,290 रुपये। तो ये दोनों अगर हम मिलाकर देखते हैं तो टोटल वैल्यू जो हमारी बनती है वो बनती है 65,790 रुपये, और ये गोल्ड मेडल की कुल कीमत हो गई। ठीक है, ये गोल्ड मेडल की वो कीमत है जो बाज़ार में सोने और चांदी का रेट है आज के समय में उसके अनुसार। लेकिन अगर इस गोल्ड मेडल की नीलामी की जाती है, अगर इस गोल्ड मेडल की नीलामी की जाती है और उसमें बोली लगाई जाती है, फिर हम इसके सोने और चांदी की कीमत को छोड़ देते हैं, फिर उस बोली में जितनी भी कीमत किसी गोल्ड मेडल की लग जाती है, जितनी भी कीमत पे वो गोल्ड मेडल कोई ले लेता है, वो उसकी ओरिजिनल कीमत हो जाती है। तो इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, कोई गोल्ड मेडल अगर कहीं नीलाम किया जा रहा है या किसी बड़े खिलाड़ी का गोल्ड मेडल है और वो बाज़ार में लाया गया है, तो वो कितने में बिकेगा ये हम आकलन नहीं कर सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा आदमी, कितना भी शौकीन आदमी उसे खरीद सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में, लेकिन उसकी जो कीमत है उसके सोने और चांदी के अनुसार अगर सामान्य दुकान पर जाकर उसे बेचा जाए तो वो मैं बताया आपको कि 65,790 रुपये उसकी कीमत है आज के टाइम पर। तो ये हुई आपकी जानकारी गोल्ड मेडल को लेकर। पूरा गोल्ड मेडल चांदी का बना होता है, बस उस पर सोने की लेयर होती है और इसलिए उसे गोल्ड मेडल कहते हैं। सिल्वर मेडल में ऐसा नहीं है, सिल्वर मेडल में सोने की परत नहीं होती है, इसलिए उसे सिल्वर मेडल ही कहते हैं। बाकी ब्रॉन्ज में अलग अलग धातुएं मिला के बनाया जाता है, वो ब्रॉन्ज मेडल होता है। उनकी सबकी बाज़ार कीमत अलग अलग होती है, सबसे खास होता है गोल्ड मेडल, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको गोल्ड मेडल के बारे में बताया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स स्पोर्ट्स में जानने के लिए, क्रिकेट में या किसी और भी स्पोर्ट्स में, या फैंटेसी खेलते हैं तो उस विषय में कि आपको कैसे खेलना चाहिए, आप MPL खेलते हैं तो आपको कैसे खेलना चाहिए, ये सभी चीज़ें मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें, आपको टाइम पे अपडेट मिल जाएगी अगर आपने बेल आइकन को दबा रखा है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।